अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू बैंगन की सब्ज़ी की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हर कोई खाना पसंद करेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का तेल एक प्याली। आप लोग भी कोशिश करके इसी में बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 3 साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें शामिल करेंगे टमाटर, 4 अदद मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए। अब शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ ही शामिल करेंगे पीसी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून हल्दी, हसबे जायका नमक। भून लेंगे। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बैंगन 5 अदद दरमियाने साइज़ के या फिर 3 पाव। टमाटर को थोड़ा नरम कर लेंगे। टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसमें आलू शामिल कर देंगे और आलूओं को मसाले के साथ 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। पाँच से छः मिनट हो गए हैं, अब बैंगन शामिल करेंगे। बैंगन को मैंने स्किन के साथ काटा है और 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। मसाले में मिक्स कर लेंगे। बैंगन को भी बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कवर करके 10 से 15 मिनट ये आलू गल जाने तक पका लेंगे। धीमी आंच पर पकाइएगा वरना मसाला जलने लगता है। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। आलू गल चुके हैं, अब बस थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। चूल्हा बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़।